हेलो भाइयों, कैसे हो? आज मैं आ गया हूँ नई जबरदस्त और एकदम बुलेटप्रूफ वीडियो के साथ। कभी काल सोच सोच के परेशान हो जाता हूँ बैंगलोर को लेकर। इतना तो मैं पाकिस्तान से नहीं परेशान हूँ जितना बैंगलोर को लेकर हूँ। क्या हो रहा है आजकल के युवाओं को? देश के सरहद पर हमारे फौजी भाई हमारे ज़मीन की रक्षा करते हुए शहीद हो रहे हैं, और कुछ नौजवान जवानी में ही ये कह के सुसाइड कर लेते हैं कि उनका सब कुछ चला गया। आखिर इनकी जान जाने की या फिर सुसाइड करने की वजह क्या है? औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। खैर, इनकी क्लास ली जाएगी अच्छे से, लेकिन अभी के लिए ब्लूटूथ जैकेट पे आते हैं। आखिर साइंस क्या है? क्यों स्टील के बजाय ब्लूटूथ जैकेट में फाइबर यानी केवलार का इस्तेमाल होता है? केवलार फाइबर का एक धागा स्टील से 5 गुना ज्यादा मजबूत होता है। बस यही बात। एक वजह है, जब कोई इंसान एक लोहे या स्टील की प्लेट अपनी छाती पे लगा ले तब उसे गोली लगती है, तब भी उसकी जान जा सकती है। इसका दो कारण, स्पीड और बुलेट फोर्स। जब एक 3.5 ग्राम की बुलेट 800 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से अपने टारगेट को लगती है तो हजारों केजी की फोर्स जनरेट होती है। वो फोर्स इतनी ज़्यादा होती है कि कोई इंसान स्टील की प्लेट भी अपने टारगेट वाली जगह पर लगा ले तो भी उसकी जान चली जाएगी। जब यही 3.5 ग्राम की बुलेट 800 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलेगी तो हजारों केजी की फोर्स पैदा होगी। शायद बुलेट स्टील को पार ना कर पाए, बट बुलेट लगने की वजह से स्टील प्लेट वाली जगह की हड्डियां टूट जाएंगी, मसल्स फट जाएंगे, इंटरनल ब्लीडिंग या शॉक लगने की वजह से आपकी मौत हो जाएगी। लेकिन जो हमारा केवलार फाइबर है जिसका इस्तेमाल करके बुलेट प्रूफ जैकेट बनती है, वो केवलार बुलेट से पैदा होने वाली फोर्स को पूरे जैकेट में फैला देती है, तो हजारों किलो की फोर्स एक पर्टिकुलर पीक पॉइंट पे नहीं पूरे जैकेट में बढ़ जाती है। तो उससे आपकी जान तो नहीं जाएगी, बट कुछ घंटों या दिनों तक आपको बहुत दर्द होने वाला है। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। थैंक यू गाइस।